आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8वीं भारतीय खोज किताब का एक अंश जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं है कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिनकी प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अम्बाला ज़िले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात यह है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने के कारण इस पर हावी थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थीं और दुकानें संभवतः छोटी थीं। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हज़ार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है।